बातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। रामपुर में जुआ खेलते वायरल वीडियो में पिछले दो महीने से वांछित चल रहे विधायक अब्दुल्ला आजम के दो दोस्तों की तीन दिन पहले गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जौहर यूनिवर्सिटी से जमीन में गड़ी नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद की गई। 15 घंटे के रिमांड के बाद पूछताछ में जौहर यूनिवर्सिटी में लिफ्ट में छुपी मदरसे आलिया से चोरी की गई हजारों बेशकीमती किताबें भी बरामद हुई। वहीं बुधवार को 8 घंटे के रिमांड में पुलिस ने पूछताछ की और खुलासा करते हुए कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के एक इमारत की दीवार तोड़वाकर बेशकीमती फर्नीचर और अन्य सामान बरामद किया गया है। यूनिवर्सिटी के दो कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आजम अब्दुल्ला के दोस्त अब उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आदरणीय आजम खान साहब के साथ आज ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तब से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ऐसा ही है। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो वो लगाइए। क्या बरामद हुआ है? दो अभियुक्त अनवार और सालिम कल रिमांड पर लिए गए थे। जब उन्हें आज जेल से निकाला गया तो उनके द्वारा पूछताछ पर ये बताया गया कि यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारी हैं, परवेज, सलाउद्दीन, तालिब और अन्य लोग जो हैं, जो माननीय विधायक मोहम्मद आजम खां और माननीय विधायक अब्दुल्ला जी के बहुत ही नज़दीक हैं, कारखास हैं उनके, तो बहुत सारा सामान जो है जो यूनिवर्सिटी में छुपाया गया है या घरों में भी छुपाया गया कुछ, वो इन लोगों को मालूम है। हम लोगों को जितना मालूम था हम लोगों ने बरामद करा दिया। तो सलाउद्दीन और परवेज को हिरासत में लिया गया तो उन्होंने बताया कि जो मदरसा आलिया की किताबें बरामद हुई थी कल, तो उसका फर्नीचर भी हम लोग वहाँ से चुरा कर लाए थे मदरसा आलिया से, और फर्नीचर यहाँ पर है। अभी फर्नीचर हम लोगों ने बरामद किया, अभी सलाउद्दीन और परवेज कुछ और भी सामान बरामद करवाएंगे, तो ये जारी है। और जो लड़के ये इस पर आए थे रिमांड पर, इन्होंने पुलिस का सहयोग किया। अभी तक कुछ पता चल पाया कौन सा फर्नीचर है और कितनी फर्नीचर? मैंने बताया कि कल जो मदरसा आलिया की किताबें बरामद हुई थी, तो ये किताबें इन्हीं अलमारी में रखी हुई थी, वहाँ लाइब्रेरी थी ना वहाँ पर, तो लाइब्रेरी में ये अलमारी में रखी हुई थी, वो बरामद हुई, अलमारी बरामद हुई, आज किताबें कल मिल गई। कितनी अलमारी है? अब गिनी है या अभी 40-42 तो हो गई अभी, और कुछ किताबों की प्रोग्रेस अभी प्रोसेस जारी है। अभी किताबों की गिनती कंप्लीट हुई? हाँ, किताबों की गिनती, ज़्यादातर किताबें तो सड़ गल गई हैं और हजारों की संख्या बरामद है। अच्छा, ये जो किताबें और फर्नीचर बरामद किया है, ये क्या दीवार तोड़ करके बरामद? हाँ, निश्चित रूप से, देख ही रहे हैं आप, पूरा नीचे से ऊपर तक कई मंजिला जो है ये इमारत है, और हर इमारत के फ्लोर पर ये अलमारी रखी गई है। तो इन दोनों लड़कों को हम आज पेश कर रहे हैं, और जो लोग हैं सलाउद्दीन और परवेज, उन्हें अभी बरामदगी जब करके कल पेश करेंगे। तो अभी रिमांड कंप्लीट हो जाएगा आज इनका? इनका अभी उनका चलेगा आज। किस किस का कंप्लीट होगा आज? इसका अनवार का और सालिम का। आप किसका रिमांड लेंगे? सलाउद्दीन और परवेज का, अगर जरूरत हुई तो लेंगे, अगर वो आज ही दिन में सारा रिकवर करा दे तो नहीं लेंगे। एडिशनल साहब, अभी और कौन सी चीज़ें आपको लग रही हैं जो यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 दिन से आप रिमांड ले रहे हैं? नहीं, अभी हम बताना ठीक नहीं, नहीं तो वो सामान ही छुपा देंगे अगर पहला बता दिया। अभी उन्होंने बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई जो छुपी हुई हैं यहाँ पर। सर, ये सलाउद्दीन और परवेज कौन? ये यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई है, तालिब भी यहाँ पर कैंटीन चलाता है, और ये सब इनके कारखास लोग हैं। सर, मुकदमे में कुछ कायम हुआ रात 4 लोगों का? वो एक अलग मामला है, वो जो मशीन यहाँ बरामद हुई थी। एक मिनट, कुछ दस्तावेज जला गए थे नगर पालिका, उसमें क्या कार्रवाई की गई? पुलिस को ये जानकारी हुई कि गंज थाना क्षेत्र में कुछ दस्तावेज नगर निगम के जलाए जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुँची और अध जले जो है रिकॉर्ड और रजिस्टर बरामद कर लिए। वहाँ पर तो जलाने वाले थे वो जुनैद थे और उसका जीजा अखलाक थे, जो दोनों के दोनों कर्मचारी हैं नगर निगम में। उनके द्वारा बताया गया और कि मैडम चेयरमैन ने ये दस्तावेज दिए थे, कहा था इन्हें जल्दी से जल्दी जला दो। ये 19 तारीख में दिए थे, जिस दिन ये गाड़ी बरामद हुई थी, तो ये उसी से रिलेटेड जो मशीन है उसी से रिलेटेड दस्तावेज थे, इन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया, 4 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें मैडम चेयरमैन भी नामजद है। तो क्या पंजीयन घटना की गिरफ्तारी होगी? अभी विवेचना चल रही है, अब तय करेंगे। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा चालू है। मुकदमा दर्ज हुआ
ये 381 120 भी 411 3/4 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम। अच्छा, ये दूसरे वाले साथी भी आपके नगर पालिका में? आज क्या हुआ, ये पेपर जलाए गए थे, कैसे पेपर थे, कितने दिए थे? ये कोई बर्थडे थे, ये जो बिल्डिंग टूटी हुआ रिकॉर्ड थे, मैडम क्या होगा ये काय का? क्या देखा क्या नहीं, काय का रिकॉर्ड थे? बर्थडे। अच्छा, बर्थडे थी क्या? जन्म मृत्यु। अच्छा, फिर क्या हुआ? प्रमाण पत्र जन्म मृत्यु। फिर क्या हुआ? वो उन्होंने दे दिए, कैसे कर देना, इसमें कुछ नहीं है। तो ये कहाँ से लाए पेपर आप? उनके घर से। किसके? मैडम के। कौन मैडम? चेयरमैन साहब। क्या नाम है? महात्मा जी। तो उनके घर से लाए थे जी? ऊपर देखिए। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने, पेपर देखे क्या कहा? इसमें कुछ नहीं है, इसको जला देना। तो तुमने यहाँ क्यों जलाया? ये गलती हुई है। अच्छा, कितने रजिस्टर थे? दो थे। तीन थे ना, उसमें खास क्या था? अच्छा, ये बताइए इसमें खास क्या था, क्या खास था इसमें? कुछ भी नहीं था, ये बर्थडे की जो एक रिकॉर्ड है, अब तो ऑनलाइन है सब, तो रिकॉर्ड ऑनलाइन। कौन से वाले घर से लेकर आए थे? पंखे वाला घर, यही तो है पंखे वाला। और जहाँ पे जला रहे थे, ये किसका घर है? ये बहन का है। किसकी? प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।